हेलो फ्रेंड्स, रजनी के चैनल में आपका स्वागत है। और हर रोज की तरह आज फिर मैं आपके लिए टैरो कार्ड से रीडिंग निकालने वाली हूँ। लेकिन आज मैं शॉर्ट वीडियो नहीं बना रही हूँ, क्योंकि शॉर्ट वीडियो में हम पूरी बात बता भी नहीं पाते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा बड़ा वीडियो बनाए, कभी कभी शॉर्ट भी डाल दिया करूँगी। तो ठीक है, अब मैं टैरो कार्ड से आप लोगों के लिए रीडिंग निकालूंगी। और अब मैं थोड़ा कुछ अलग, एक नए तरीके से नया पैटर्न शुरू कर रही हूँ। आज से श्री गणेश कर रही हूँ, तो मैं शुभारंभ आज से कर रही हूँ। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ऐसी रीडिंग करूँ जो आप लोगों के साथ 100% सही हो मेरी तरफ से। बाकी तो सब वो ईश्वर है ना। तो देखिए, हम जनरल रीडिंग जब करते हैं तो जो मैं कार्ड निकालती हूँ, मेरे कार्ड तो बहुत अच्छे आते हैं और मैं मैसेज भी देती हूँ कि आज का दिन बहुत अच्छा है, ठीक है। और उम्मीद भी करती हूँ, ईश्वर से प्रेयर करती हूँ कि सबके जीवन में अच्छे दिन आए और जिंदगी में सुख दुख तो कहते हैं ना, सिक्के के दो पहलू के समान आते रहेंगे और तभी ये जीवन जीने का मजा भी है। बट हम दुख में से भी सुख खोजते हैं और हर समस्या का समाधान भी होता है। कोई भी दुनिया में ऐसी समस्या नहीं है जिसका हल नहीं है, हल है। तो अगर समस्या आएगी तो हम उसका उपाय भी निकालेंगे। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना मैं मूलांक से शुरू करूं। तो आज है, जिन लोगों का डेट ऑफ बर्थ से वो देख सकते हैं और ये भी देख सकते हैं कि ये रीडिंग उनके साथ कितना सही हो रहा है। तो आज मैं मूलांक एक वालों के लिए टैरो कार्ड से रीडिंग निकाल रही हूँ। जिन लोगों का डेट ऑफ बर्थ 10 को हुआ हो, 10 तारीख को, 19 को, 28 को, मतलब 1, 10, 19, 28, उन लोगों का मूलांक एक होता है। तो ये आज की रीडिंग मूलांक एक वालों के लिए है। तो पहले तो मैं इतनी लंबी भाषण दे दी, तो चलिए मैं कार्ड को सफल कर लूं। यूनिवर्स प्लीज बताइए मूलांक एक वालों के लिए आज का क्या मैसेज है। यूनिवर्स प्लीज बताइए मूलांक एक वालों के लिए आज आप क्या मैसेज दे रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज बताइए मूलांक एक वालों के लिए आज आप क्या मैसेज दे रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज बताइए मूलांक एक वालों के लिए आप क्या मैसेज दे रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज प्लीज बताइए यूनिवर्स मूलांक एक वालों के लिए आज क्या मैसेज है। यूनिवर्स मूलांक एक वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा मूलांक एक वालों के लिए। अरे वाह, कितना अच्छा ये कार्ड एक बार और आया हुआ था, देख लीजिए द एम्प्रेस। तो मतलब इतना अच्छा कार्ड आया हुआ है कि मैं क्या बताऊं आपको, देख लीजिए। आज का दिन मूलांक एक वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मूलांक एक सूर्य का नंबर है, येलो, आप पीछे देख सकते हैं। मैं कार्ड को अच्छी तरह एक्सप्लेन नहीं कर पाती थी शॉर्ट वीडियो में, तो मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता था कि जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो, उनको मैं जो बात और बताना चाहती थी वो मैं बता नहीं पाती थी और वीडियो का टाइम खत्म हो जाता था। तो ये देखिए द एम्प्रेस, तो आप देख सकते हैं कि कार्ड बहुत अच्छा है। रानी है, येलो बैकग्राउंड देख सकते हैं। ये मतलब बहुत आज के दिन मूलांक एक वालों के जीवन में खुशियां लेकर आएंगी, चाहे वो देख लीजिए। मैं कार्ड को थोड़ी अपनी तरफ करके बताऊं, मतलब पीछे ग्रीनरी है, येलो है ना, बैकग्राउंड जो है उसका येलो है। रानी बैठी हुई है, रानी के सर पे तेज है और एक नंबर सूर्य का है और नीचे भी फूल वगैरह सब बने हुए हैं, दिल का है शेप।
एक एक कार्ड क्या है ना कि एक एक इसका जो सिंबल है कुछ ना कुछ मैसेज देता है। तो आज जो लोग किसी को प्रपोज करना चाहते हैं उनके लिए भी आज का दिन अच्छा है, आज मैरिज लाइफ भी मतलब जिसका मैरिज डे है उसके लिए अच्छा है, जिसका बर्थडे है उसके लिए अच्छा है, और आज के दिन जो बिजनेस में भी सफलता मिलेगी, वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा, उनका किसी को प्रपोज करना चाहते हैं उसमें भी सक्सेस मिलेगा, नौकरी जॉब पैसा मतलब हर फील्ड में आज मूलांक एक वालों के लिए बहुत अच्छा है। और अगर अगर बाय द वे ऐसा कुछ इक्का दुक्का लोग हो गए दुनिया में, क्योंकि हर आदमी अपनी किस्मत भी प्रारब्ध लेकर आता है ना, पिछले जन्म से लेकर के आता है, तो ये कार्ड तो बहुत अच्छा है। तो अब हम उनके लिए भी कुछ रेमेडी भी बताएंगे, और मैंने सोचा है कि जब मैं मूलांक से कार्ड निकालूंगी और इक्का दुक्का लोग जो अपनी किस्मत पूर्व जन्म से कुछ कर्म करके आते हैं, लिखा के आते हैं कि होते हुए भी सब कुछ और उनको मिल नहीं पाता है, तो उनके लिए मैं यही रेमेडी बताऊंगी कि आप सूर्य की पूजा करें। भगवान एक नंबर सूर्य का होता है, भगवान सूर्य को आप जल दें और तांबे के लोटे में रोली डालकर, अक्षत डालकर, लाल फूल डालकर, एक रुपये का सिक्का, गुड़, ये सब कुछ डाल करके आप ये पूजा करें और भगवान से प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में खुशियां आए। और मूलांक एक वालों को गवर्नमेंट जॉब भी मिलती है और ये प्राइवेट भी अपना बिजनेस कर सकते हैं, और इनके लिए पीला रंग, नारंगी रंग, सुनहरा मतलब सूर्य का कलर जो होता है वो राम की पूजा, मूलांक एक वालों को सूर्य को जल देना चाहिए, राम जी की पूजा करनी चाहिए। और इनके लिए जो अंक भी होते हैं मतलब 1, 2, 7 इनका लक्की नंबर होता है, और लाइफ में बस 10 साल की उम्र में, 19 साल, 28 साल, 37 साल की उम्र इनके लिए बहुत अच्छी होती है, और 46, 45, 56 साल की उम्र में भी ये काफ़ी तरक्की करते हैं। तो ये है मूलांक एक वालों के लिए आज की वीडियो, जो मैंने दिन भी बताया है और जो इक्का दुक्का बच गए लोग उनके लिए मैं रेमेडी भी बताई हूँ कि वो आज के दिन ये करे उपाय तो उनका दिन अच्छा हो जाएगा, है ना। अब हमेशा हमें खीर खाने के लिए मिले तो भी अच्छा नहीं लगेगा ना, बीच में नमकीन भी तो चाहिए ना, तो सुख दुख जीवन के हमारे तो होते हैं पल्ले हैं, और वो दोनों लाइफ जीना चाहिए, है ना। और देखिए मूलांक एक वाले लोग कितने बड़े बड़े आदमी बने हुए हैं, पोस्ट पे भी गए हैं, जैसे मुकेश अंबानी का भी मूलांक एक है, रतन टाटा का है, धीरूभाई अंबानी का है, इंदिरा गांधी हमारे प्रथम महिला इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री बनी, तो अभी मतलब समझ सकती हैं कि उनका भी 13 का उनका भी मूलांक एक होता है, है ना, मूलांक एक होता है, इंदिरा गांधी का भी डेट ऑफ बर्थ मूलांक एक आता है, तो बीच में बोलने में ना कभी कभी गलती हो जाती है, तो इसके लिए आप लोग प्लीज माइंड नहीं कीजिएगा, क्योंकि मुझे भी लगता है कि मतलब मैं वैसा कुछ लिख करके तो ऐसे बोलती नहीं हूँ, जो ऐसे आता जाता है बोलती जाती हूँ, तो ठीक है। तो ये बड़े बड़े लोगों का मैंने नाम बस यूं ही आपको बता दिया कि जितने भी बड़े लोग अभी तक सामने लिस्ट में आए हैं उनका मूलांक एक ही है, और ये आज की रीडिंग मूलांक एक वालों के लिए ही है, साथ में मैंने रेमेडी बताया है, और उम्मीद करती हूँ कि आपका दिन आज का बहुत अच्छा हो, मंगलमय हो। और मैं अब मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और ये वीडियो मतलब मैं बहुत बड़ा बनाना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो भी कोई देखना नहीं चाहता है, इसीलिए मैंने डिसाइड किया था कि मैं शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी, बट शॉर्ट में भी मैं अपनी बात पूरी कह नहीं पाती थी, तो इसलिए मुझे थोड़ा बड़ा बनाना पड़ा है। अगर आप पूरा वीडियो देखें तो मुझे बहुत खुशी होगी और आपको भी फायदा पता होगा। तो ठीक है, मिलती हूँ आपसे
नेक्स्ट वीडियो में। और आगे आने वाला जो हमारा वीडियो आएगा वो प्राणिक हीलिंग से भी रिलेटेड होगा, उसकी भी मैं वीडियो डालूंगी। हस्तरेखा का भी आएगा, मेडिटेशन का भी आएगा। और नेक्स्ट वीडियो मैं अभी थोड़ी देर में अपलोड करूंगी। बहुत लोगों का मैसेज आता है कि उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो क्या करें, क्या कैसे वो निकले, तो उसके लिए मैं एक वीडियो बनाने वाली हूँ। और रेमेडी मैं बताऊंगी उसमें कि जिसकी लाइफ में है तो वो क्या उपाय करे, तो वो वीडियो मैं डालने वाली हूँ। इसके बाद वीडियो वो जाएगी। और आज मैं एक हस्तरेखा का डालूंगी कि आप कैसे जाने कि आपकी शादी किस उम्र में हुई है, और जो शादीशुदा है वो भी चेक कर लेंगे कि उनकी शादी किस उम्र में हुई है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। हाँ, और ये वीडियो आप कभी भी देखें, ये आपके साथ उस वक्त काम करेगी। ऐसा नहीं है कि ये वीडियो सिर्फ आज के लिए है। मूलांक एक का अगर मैंने बताया है तो इनका डेट ऑफ बर्थ में ही मूलांक एक है, तो ये कभी भी लॉन्ग लाइफ के लिए ये है। कभी भी ये चाहे ये वीडियो को खोल सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, ये जो कार्ड निकला है ये आज के लिए मैंने निकाला है ना, पूरी जीवन के लिए थोड़ी ना निकाला है, लेकिन आज की डेट के लिए। आज डेट है 14 अगस्त, 14 अगस्त है आज डेट, ठीक है। दिन है आज सोमवार का, तो आज ये कार्ड उनके लिए निकला है। आज का दिन उनका ऐसा है, ठीक है ना। और बाकी जो रेमेडी मैंने बताया है ये लॉन्ग लाइफ वो कर सकते हैं। मैंने सूर्य की रेमेडी उनको बताई है, सूर्य की पूजा, राम की पूजा, सूर्य भगवान को जल देना। तो और बाकी जो बहुत ज़्यादा जिनको है अलग से क्वेश्चन है, तो वो अलग से मैसेज के द्वारा वो मुझसे बात कर सकते हैं, बता सकते हैं अपनी प्रॉब्लम, तो मैं उनके लिए अलग से कुछ रेमेडी बताऊंगी। और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय।